देखिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी हो गया खाली। तो अभी देखिए हम लोग चावल वगैरह सारा बना लिए हैं, जब देख सकते हैं चावल हमारा बन गया है। तो आज दिन था भाई संडे, तो संडे को कुछ ना कुछ बनता है। तो ये देखिए आज हम लोग 1 kg मटन लेके आ गए हैं, क्योंकि रोहित 2-3 दिन से बार बार बोल रहा है भैया मटन खाएंगे मटन खाएंगे। तो हम बोले यार संडे को ही मटन लाएंगे और संडे को ही मटन खाना है। देखिए दोस्तों, अभी हम मटन भूज रहे हैं, मटन का पानी बहुत छूट गया है, मटन का पानी छोड़ दिया है। अरे अभी अब मटन भून के अब मसाला डालेंगे। पोल्ट्री नहीं है, चिकन नहीं है, मटन है। अब सोचे थे नेपाल में मटन नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा, लेकिन मटन तो मिल गया। आपने मेरा तो आश्वास चाहता कि नहीं मटन मिलता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और पिछला ब्लॉक में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग नेपाल आए थे ईटा भट्टा में गाड़ी खाली करने के लिए, तो हम लोग रात में ही पहुंच गए थे। तो अभी देखिए अभी गाड़ी खाली करने का प्रक्रिया शुरू हो गया है, सील वगैरह जितना लगाए थे वो सारा चेक हो गया है। अभी पार्टी जो है बोल रहा है कि फटाफट आप लोग खोल दीजिए रस्सा त्रिपाल, उसके बाद गाड़ी आप लोग का खाली हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं सामने चिमनी ईटा का भट्टा है, तो यहीं के लिए कोयला है क्योंकि इसी से चिमनी ईटा का कोयला पकता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं रस्सा त्रिपाल खोलने के लिए। और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और यूट्यूब में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। सुबह के 8 बज चुका है और अभी हम लोग का गाड़ी खाली होने लग चुका है। देखिए यहाँ पे सील तोड़े थे यहीं से, तो सील तोड़ा गया है सब कुछ। अब जा रहे रस्सी खोलने के लिए और त्रिपाल खोल देंगे, अपना ये लोग खाली करते रहेगा, काहे कि थोड़ा लंबा गाड़ी है ना, थोड़ा इसे जिसे भी खींच पाएगा। उसके बाद जो है यहाँ का स्टाफ वही लोग खाली करेगा। चलते हैं खोलने के लिए। अभी हम लोग का रस्सी खुला गया, अब तिरपाल को हटाना है यहाँ से। अब जीसी भी आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग, खाली थोड़ा सा बचा हुआ गिट तो खोल देंगे यहीं से। देखिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी हो गया खाली। तो अभी देखिए हम लोग चावल वगैरह सारा बना लिए हैं, इधर देख सकते हैं चावल हमारा बन गया है। तो आज दिन था भाई संडे, तो संडे को कुछ ना कुछ बनता है। तो ये देखिए आज हम लोग 1 kg मटन लेके आ गए हैं, क्योंकि रोहित 2-3 दिन से बार बार बोल रहा है भैया मटन खाएंगे मटन खाएंगे। तो हम बोले यार संडे को ही मटन लाएंगे और संडे को ही मटन खाना। तो देखिए बगल में मार्केट था तो वहां से मटन लेके आए हैं, यहाँ 1000 रुपया नेपाली दिया है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब मटन बनाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। इधर देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है कढ़ाई में, सबसे पहले इसमें तेजपत्ता डालते हैं। तो हमारा तेजपत्ता चला गया है, अब बढ़िया से प्याज वगैरह सारा डाल के भूनते हैं और बढ़िया से फ्राई करते हैं। ये रहा हमारा प्याज, 1 किलो मीट में इतना प्याज काफी है। दोस्तों हमारा प्याज आधा से ज्यादा लाल हो चुका है। अब ये जो लहसुन और मिर्चा का कूटा हुआ है वो डाल दे रहे हैं इसमें। इसको कूट लिए थे, हमारे पास कूटने का साधन है, गिलास में ही कूट लिए भाई। चलिए इसको भी बढ़िया से पहले भून लेते हैं, उसके बाद मटन डालेंगे इसमें। दोस्तों ये देखिए हमारा लहसुन मिर्चा प्याज बढ़िया से फ्राई हो चुका है, अब इसमें मटन डाल के फ्राई करते हैं। ये रहा हमारा मटन, एकदम देहाती बकरा का मटन था, 8 kg वाला साइज का, तो विकास को भेजे थे मार के, ये अपने सामने कटवा के लेके आया है। बाकी एकदम देहाती मटन है, अब देखते हैं इसका टेस्टी कैसा बनेगा खाने के बाद, ही पता चलेगा। फिलहाल अभी बढ़िया से भूनते हैं इसको। मटन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है भाई, क्योंकि मटन को बहुत बढ़िया से भूनना पड़ता है तेल और मसाला के साथ में, तभी मटन खाने का स्वाद जो है अच्छा आता है। देखिए दोस्तों, अब जा रहे हैं मसाला निकालने के लिए बर्तन में। इधर जो है मटन बढ़िया से हम लोग भून रहे हैं, तो मसाला निकाल के पहले पानी से घोल लेते हैं। ये रहा भाई हमारा हल्दी, हल्दी डाल दे रहे हैं पहले। ये लाल मिर्च, लाल मिर्च भी थोड़ा डाल देते हैं। और ये रहा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी डाल दे रहे हैं। और ये है थोड़ा मिक्स मसाला, वो भी डाल दे रहे हैं। और इसमें हम लोग गोलकी जीरा और गरम मसाला, ये तीनों कूट के एकदम महीन कर दिए हैं,
अब इसको भी डाल देते हैं। और इधर हमारा है मीट मसाला, तो मीट मसाला बाद में डालेंगे जब मटन हम लोग उतारने लगेंगे उससे 5 मिनट पहले। तो चलिए पहले इसको पानी डाल के बढ़िया से मिला लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमारा मसाला मिल गया है। अब पहले मटन को पहले बढ़िया से भूनते हैं, इसका जितना भी पानी है सारा निकालते हैं, उसके बाद फिर मसाला डालेंगे इसमें। देखिए दोस्तों, अभी हम मटन भून रहे हैं, मटन का पानी छोड़ दिया है। अरे अभी अब मटन भून के अब मसाला डालेंगे और उसके बाद आधा घंटा जैसा ढक के रख देंगे, क्योंकि मटन टाइम लगता है सीजने में, यही चलते मटन में टाइम लगता है सीजने में, और उसको तब डालेंगे तब हो पाएगा। ये पोल्ट्री नहीं है, चिकन नहीं है, मटन है दोस्तों। हमारा मीट बढ़िया से भूंजा जा चुका है तेल में, ये देखिए हल्का हल्का तेल भी छोड़ दिया है। तो चलिए अब मसाला पूरा डाल देते हैं, अब मसाला के साथ में मटन को बढ़िया से भूंजेंगे। ये चला गया हमारा मसाला, अब इसको बढ़िया से भूनते हैं। मटन को मसाला के साथ में भी बढ़िया से भूनना पड़ेगा भाई, तभी मटन खाने में अच्छा लगेगा। ऐसे मटन का कलर तो बढ़िया दिख रहा है, अभी थोड़ा और भून देंगे। दोस्तों अब नमक डाल देते हैं इसमें, देखिए हमारा मटन तो बढ़िया से भून जा रहा है। अब ये रहा हमारा नमक, तो नमक डाल देते हैं बढ़िया से। ये हमारा नमक चला गया है, अब इसको और भूनेंगे। दोस्तों हमारा मटन रेडी हो चुका है, ये देखिए बढ़िया से पूरा तेल छोड़ दिया और कलर भी मस्त आ गया मसाला का। चलिए ठीक है, मटन हमारा बन गया है, अब बचा मटन मसाला, वो डाल देने हैं थोड़ा सा, 5 मिनट के बाद उतार देंगे इसको। चलिए एक बार चला देते हैं बढ़िया से इसको। देखिए दोस्तों, दिन के 12 बज चुके हैं और ये देखिए हमारा पूरा खाना बन चुका है। तो इधर देखिए कढ़ाई में मटन है, इधर चावल है। तो चलिए आज मटन बना है तो आज हम ही खाना निकाल के खिलाते हैं सब भाई को। चलिए ठीक है दोस्तों, ये विकास का निकाल दे रहे हैं, एक थाली हमारा कमी है वो ले लेंगे, अभी इतना ही चावल निकालते हैं इसमें। दोस्तों इधर चावल निकाल दे रहे हैं, उधर विकास का तो निकल गया है, ये रोहित का निकाल दे रहे हैं। दोस्तों चावल इधर निकल गया है, अब चलते हैं मटन निकालने के लिए। दोस्तों हमारा खाना निकल चुका है, अब चलते हैं खाने के लिए। अब देखते हैं कैसा हमारा मटन बनता है, पहले ग्रेवी खा के देखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। पंकज भैया के पास मटन बहुत अच्छा बनाता है, पंकज भैया मटन भी हम देखे काहे कि खाए भी तो बहुत अच्छा लगा, एक नंबर बनाता है। गाड़ी में उतना दिन आ गया हुआ, मेरा लगभग 7-8 दिन आया हुआ, आज पहली बार मटन खा रहे पंकज भैया के पास, बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। वाकई भाई मटन बहुत बढ़िया लग रहा है और ग्रेवी भी बहुत मस्त है, क्योंकि बकरा था देहाती वाला 8 किलो का साइज का, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, और मटन भी हमारा बढ़िया से सीझ गया है। हम सोचे थे नेपाल में मटन नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा, लेकिन मटन तो मिल गया हम लोग। मेरा तो आज नष्ट आता यदि नहीं मटन मिलता। देख सकते हैं पीस भी कितना सुंदर लग रहा है देखने में। रोहित का डिमांड था कि भैया मटन खाएंगे मटन खाएंगे, हमने चलो कोई बात नहीं यार, आज संडे है तो मटन तेरे को खिला ही देता हूँ। दोस्तों दिन का 12 बज चुका है और हम लोग खाना बना के खाना खा रहे हैं, मटन और चावल। लेट हो गया थोड़ा,
माल खाली करने में, इसलिए हम लोग का खाना भी लेट हो गया। मटन खुद हम अपने से जाके लाए हैं, कम से कम 4 किलोमीटर पैदल पैदल गए हैं। गाड़ी तो इधर सुविधा नहीं है, देहात क्षेत्र एरिया है। मटन तो ठीक ही लग रहा है खाने में। गरीबी भी बढ़िया बना है, खुद पंकज भैया अपने हाथ से बनाए हैं। खाली हम लोग मटेरियल काट उठ के दे दिए हैं। दोस्तों दोपहर के करीब 2 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी तो पूरा खाली हो गया था। अब हम लोग खाना पीना भी खा लिए हैं, अब चलते हैं। थोड़ा सा माल बचा था, वो लेबर भी झाड़ू वगैरह सारा लगा दिया है। इधर देख सकते हैं पूरा हमारा गाड़ी खाली हो गया है। बस रोहित जो है और विकास त्रिपाल रख दे रहा है, उस पर डाला लगाते हैं। और अपने को भाड़ा भी लेना है क्योंकि हम लोग 30 किलोमीटर आगे आए थे, तो पार्टी बोला था आपको एक्स्ट्रा भाड़ा भी पे करेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, सही टाइम पे हमारा गाड़ी भी खाली हो गया। इधर डाला वगैरह सारा लग जा रहा है, अब लेते हैं भाड़ा और निकलते हैं यहाँ से। बाकी बाहर निकलने के बाद अपना लोडिंग का क्या है वो देख लेंगे। दिन के 3 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी तो खाली हो गया, भाड़ा भी ले लिए हैं और हम निकल गए हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और ये देखिए नेपाल में गेहूं का खेती, चारों तरफ आपको खेती ही खेती देखने को मिल जाएगा, रोड की ये साइड में भी। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अपना इंडिया और जो नेपाल जो है वो खेती के लिए काफ़ी विख्यात है, क्योंकि इधर पहाड़ी इलाका नहीं है। यहाँ से ज़्यादा 100 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पहाड़ी इलाका देखने को मिल जाता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, एकदम सही टाइम पर गाड़ी भी खाली हो गया और भाड़ा भी मिल गया। अभी चलते हैं ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं लोडिंग का। अपना एक माल बता रहा है नेपाल से भी कोलकाता का, अगर देखते हैं वो लोड कर लेंगे, नहीं तो फिर अगर वो माल नहीं जमेगा तो फिर बाहर से निकल के करेंगे। अभी हम लोग को बॉर्डर पहुंचने में 2-3 घंटा लग ही जाएगा सब। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग बाहर निकल चुके हैं। तो ये रहा इंडिया बॉर्डर जो है, तो हम लोग निकल गए भाई। इधर देखिए रोहित और विकास, अभी हम लोग चलते हैं चाय पीने के लिए। और ये देखिए हम लोग को नेपाली 2000 रुपये बच गया है, तो अभी हम लोग को एक्सचेंज करना पड़ेगा। बगल में एक्सचेंज हो जाता है क्योंकि ये नेपाली पैसा इंडिया में चलता नहीं है भाई, तो अभी हम लोग को एक्सचेंज करना पड़ेगा। चलिए रोहित जी चाय वगैरह पी लेते हैं। दोस्तों अभी जा रहे हैं पैसा चेंज करने के लिए, पैसा वैसा चेंज करके उसके बाद अभी चाय पियेंगे और फिर आराम से यहाँ निकलेंगे आराम से। कहे कि बहुत पैसा हो गया, देख रहे 2000+ हो गया, अंदर गए तो 50-60 किलोमीटर अंदर। दोस्तों अभी नोट एक्सचेंज कर लिए हैं और देखिए रोड के उस साइड में गाड़ी हमारा खड़ा है। इधर आ गए हैं चाय पीने के लिए, तो इधर देखिए विकास और रोहित सभी भाई लोग चाय पी रहे हैं, इधर हमारा भी चाय है। क्या रोहित जी दोस्तों अभी चाय पी रहे हैं, शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग गाड़ी तो निकल गया इंडिया से। आप टेंशन नहीं, अपना अपना इलाका है, कोई दिक्कत नहीं है। चाय तो ठीक ही लग रहा है, अब हम लोग अपना इलाका आ गए हैं इंडिया। नेपाल में थे तो कस्टडी में थे, थोड़ा कैदी में जेल में था लग रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों चाय पीते हैं। अभी लोडिंग वगैरह का बात चल रहा है हमारा, अब देखिए कहाँ से क्या होता है। दोस्तों अभी रात के 7 बज चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं छपवा टोल प्लाजा पे। ये देखिए सामने टोल प्लाजा, यहाँ पे गाड़ी लगा दिए हैं। अब चलते हैं खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रुके और ट्रांसपोर्टर से बात किए तो कोई माल बताया नहीं। तो हम भी बोले कि वहाँ रुक के कुछ फ़ायदा नहीं है, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी आ गए हम लोग छपवा टोल प्लाजा पे, तो यहाँ पे खाना पीना बनाते हैं। अगर लोडिंग मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो खाली गाड़ी ही हम लोग को जाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, पहले खाना वगैरह बनाते हैं। इधर रोहित जो है और विकास जो है बोल दिए हैं फटाफट खाना बनाने के लिए, इधर सब भाई लोग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इधर हम रोटी बना रहे हैं और विकास भाई उधर रोटी फुला रहा है। और हम लोग का तो सुबह का जो मटन है दोपहर का, वही मटन का साथ रोटी और मटन चलेगा, बचा हुआ है तो उसी का साथ चल जाएगा अभी काम। और यहाँ से आराम से अपना निकल जाएंगे। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और ये देखिए हमारा रोटी बन चुका है। तो दोपहर का ही हम लोग का मटन और ग्रेवी बच गया था, तो यही हम लोग खा ले रहे हैं। दोस्तों
दोपहर का मटन बच गया था और वही रोटी बना लिए, खा रहे अपना मस्त से। यहाँ से रुके हुए छपुआ टोल में खड़ा है, हम लोग का उधर तो क्लियर हो गया, इधर बगल में खड़ा है, आगे जाके कहीं सूद जाएंगे। माल उल तो नहीं मिला है, हम तो बोल रहे हैं पंकज भैया को जो गुजरात का माल लोड कीजिए, लंबा टूर चलेंगे हम लोग, आप इधर नहीं चलेंगे, लंबा लंबा टूर चलेंगे। देखिए गुजरात गुजरात का माल मिलेगा तो लोड करेंगे, भाड़ा सही मिला तो लोड करेंगे, ऐसा बात नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, खाते हैं। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना हो चुका है, तो हम लोग को लोडिंग कहीं नहीं मिला, तो हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे सोने के लिए, बाकी कल देख लेते हैं लोडिंग का कैसे क्या होने वाला है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, रिस्पेक्ट ड्राइवर।